दोस्तों, अगर मैं फिल्मों के बिज़नेस की बात करूं तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मार्केट बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी बॉलीवुड फिल्म वहां पर रिलीज़ होने से जो मौका है वो नहीं चूकती है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो दंगल ने जितना अच्छा परफॉर्म किया चाइना में, सीक्रेट सुपरस्टार ने कितना ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दिया बजरंगी भाईजान, और अगर आपको याद होगा हिचकी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हिंदी मीडियम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब ऐसे में भाईजान सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म और इस साल की मच अवेटेड फिल्म भारत को किस तरीके से नहीं प्रमोट कर रहे चाइना में? नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज। बताना चाहता हूँ कि चाइना को लेकर अतुल अग्निहोत्री साहब, जो कि रियल लाइफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने भाईजान सलमान खान ने एक बायर ढूंढना शुरू कर दिया है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करे वहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को संभाले। अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार जो वोपिंग अमाउंट सामने आ रहा है वो $5 मिलियन का आ रहा है कि $5 मिलियन मिलेंगे उसे, एंड उसी के बल पे सारा वहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन राइट, सारी चीज़ें लगातार अग्रसर होंगी। पर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई एम 101% श्योर कि इंडिया में तो फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी ही करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई की फिल्म में ईद का मौका है और कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। चाइना में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी ही करेगी। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ, आपका राहुल भोज आपको इसी तरीके की दिलचस्प बातें बताता रहेगा।